तरावड़ी के ईदगाह कॉलोनी में पिंकी नामक 30 वर्षीय युवक द्वारा चुन्नी को पेड़ से बांधकर फांसी लगाने का मामला सामने आया है। मृतक पिंकी के परिजनों ने बताया कि उनको किसी गांव के व्यक्ति ने सुबह जानकारी दी कि पिंकी ने फांसी लगा ली है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और शव को फंदे से उतारकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में लाया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि शाम के समय वह घर से गए थे और अक्सर शराब आदि पी लिया करते थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, परंतु उसके द्वारा ये कदम उठाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं परिजनों ने बताया कि पिंकी अपने पीछे 3 बच्चे और पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गया। फिलहाल पुलिस ने सारे मामले पर संज्ञान लेते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया है। इस घटना से एक हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। शव लेने के लिए मोर्चरी हाउस के बाहर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। क्या जानकारी मिली आपको? जी सुबह ये जानकारी हुई है, अभी वो पिंकी जी फांसी लटक हुआ है पेड़ के पास। अच्छा, ये जानकारी? हाँ जी, घर से दूर। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी यही 27-28 है। छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे। शादी से खुश थे वो? शादी से खुश थे जी, मन मन अपनी मन मर्जी से ब्याह करवाया जी इनकी। अच्छा, हाँ जी। तो और कोई दिक्कत काम को आज को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, बस इसको ये कहता था अभी पुष्पा काम पे ना जा। अच्छा, और खुद नहीं करते थे? करते भी थे पहले, तो बहुत अच्छा काम करता था, अब तो ये दिहाड़ी करता था। फिर उसके बाद इसको बोलता था तू काम पे ना जाता, ये फिर अपनी जितर को पता है बच्चे पालने के लिए तो लेडीज करेगी कुछ ना कुछ। तो आर्थिक तंगी चल रही थी घर पे? काम तंगी ना, तंगी भी तो थी थोड़ी बहुत। फिर ये वही बात है ना, 2 दिन हो गए जी, कोई क्लेश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं था। 2 दिन हो गए झगड़ा? 3 दिन आया हूँ यहाँ जी मेरे साथ। पहले कुछ बताया भी नहीं जी, कुछ नहीं, हमारे को पता नहीं चला किस टाइम होती मिठाई, किस टाइम क्या करा उसने। रोटी का क्या जी? घर से लेके 2 कमरे सामने नहीं ले गया था, दो अगर हमारे सामने कोई ऐसा सीन नहीं है। अभी चुन्नी ले गया, कुछ ले गया, ठीक है। हम तो रोटी खा के सो गए, ये भी सो गई। उसके बाद हमने, इसने 2 बार गेड़े मार लगाए बाहर, तो वो था नहीं। सुबह पता लगा? हाँ, सुबह पता चला, मामे के लड़के ने बताया भाई वो तेरा जी जवां फांसी का है। फिर जब हम भागे वहाँ से जी घर से, कुछ शक है किसी भी आप? जी नहीं जी, हमें शक नहीं। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करता था जी। लड़ाई झगड़ा करेगा तो इसके साथ करेगा, बाकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। एक काम के लिए कार्रवाई कर रही है अपनी? देखो जी, हम तो यही चाहता कार्रवाई करे, पता चले जी क्या नहीं क्या हुआ उसके साथ, हम तो ये चाहते। पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेके? देखो हाँ जी, दे रखा है। देखो क्या नाम है आपका? मेरा संतोष है जी। क्या मामला हुआ जी, क्या बात हुई कल जी? रात दूध ले आया था 2 थैली और पीस का डब्बा ले आया था। फिर घर पे बैठा अनुका पुष्पा, खाना दे, खाना दिया जी, लस्सी का गिलास भी दिया, एक रोटी खाई इसने। रोटी खा के फिर हम बैठ गए वहाँ पर 3 बजे, मेरी बहन भी थी साथ में, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। फिर ये बाहर निकल पड़ा, मैंने कहा चल खाने पीने गया होगा यार दोस्त के साथ। फिर गई 11 बजे तक ढूंढती रहेगी उसको, 2-3 बार गई ढूंढती रहेगी, नहीं मिला मेरे को। मैंने कहा खा पी रहा होगा उसके साथ यार दोस्त के साथ। फिर घर पे आई, मेरी आँख लग गई जी। रोज पहले भी खाते पीते थे? हाँ, डेली फूल थे, कुछ भी नहीं बोला था कि मेरे को फांसी चुन्नी उठाई है, पता भी नहीं मैं चुन्नी देख लेती कब उठाई, मैंने देखी भी नहीं चुन्नी उठाई है उसने। नशा पहले भी करते थे? नशा उसका पुल था, काम कुम पे भी नहीं जाता था। क्या काम करते थे? पहले दुकान पे जाता था, दुकान छोड़ दी उसने। अब अड्डे पे जाता था, 150 कमा के ले आता था, कभी देता था कभी नहीं देता। मैं काम पे जाती हूँ, बच्चे को पाल रही हूँ मैं जी। नशे की लत लगी हुई थी? हाँ, भूल नशा का था। कितना टाइम हो गया काम तो करता? हो गया 10 साल तो हो गए। कितनी उम्र थी? पता नहीं कितनी है उसकी, 27-28 साल। बच्चे भी हैं? हाँ जी, 3 बच्चे, 2 लड़की है, 1 लड़का है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो किसने आपको बताया कि उनका? देवर ने बताया था जी सुबह। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि पिंकी ने फांसी ले रखी है। मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहा होगा, तो फिर यही इसके पास आए जी, दोनों देखे पूरन और मैं गए थे जी देखने के लिए, फिर वो फांसी खा रखी थी जी। पेड़ के साथ लटके हुए? हाँ जी, पेड़ के साथ लटके हुए थे। गांव के आसपास ही? हाँ जी, नहीं दूर पास, नाले के पास, पुलिया के पास जी। क्या नाम है उसका? पुष्पा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।